वालेकुम अर्शद साहब। सुनिएगा भाई, आपको कभी पहले यहां इस कब्र पे देखा है? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं, मैं जब भी कब्रस्तान के करीब से गुजरता हूं तो फातिया के लिए किसी भी कब्र पर बैठ जाता हूं। आपके जानने वाले की कब्र है? नहीं, मैं तो यहां अपनी उन गलतियों का अजाला करने के लिए आता हूं जो मुझसे अनजाने में हो गई। भाई साहब, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। कहते हैं कि जब कोई दूसरा किसी के लिए दुआ करता है ना, तो वो जरूर कबूल होती है। सफर में शम्मे जलाते रहेंगे, सोचा नहीं था तेरे बिन लम्हे बिताते रहेंगे, पल में बुझ न जाए, खुश्क हो न जाए, आंखें हैं जो नंग कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ न देना गिरहों वाले धागे। कैसी हो बेटा? तुमसे कुछ पूछने आई थी मैं। वो लड़की थी ना जो कल तुम्हारे साथ काम कर रही थी, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो उसे रख लूं? बस वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करेगी। कौन थी दादी? बेटा तुम्हें बताया तो था, नाहिद की कोई जानने वाली है। अच्छी थी ना, तो फिर रख लूं उसे। क्या हुआ, क्या हुआ बाबा? कहाँ गए थे आप? कहीं नहीं, चलो चलो, हमें यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चले। लेकिन बाबा आज तो हमारा डॉक्टर से मिलना है ना। अरे छोड़ो डॉक्टर को, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, चलो यहाँ से उठाओ अपना सामान। क्या हो गया? तुम्हारा इलाज बहुत जरूरी है रफीक, हम ऐसे नहीं जा सकते। मेरा इलाज कितना जरूरी है मुझे पता है। अच्छा तुम लोगों को नहीं पता, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ नहीं रहना, चलो चलो उठाओ अपना सामान, चलो। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? देखें आज हमने डॉक्टर से मिलने जाना है। अरे नहीं जाना डॉक्टर के पास, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। बाबा ऐसा करते हैं कि अभी हम डॉक्टर को दिखा के फिर वहीं से चले जाएंगे। दफा करो डॉक्टर को, तुम लोगों को समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। अरे देखो हो रही ना तबीयत खराब, क्या हो जाता है तुम्हें? मैं पानी पी के आ रही हूँ बेटा, जल्दी आए। देखें इनको एडमिट करना होगा, आप पहले कुछ पैसे वगैरह काउंटर पे जमा करवा दें, फिर देख लेते हैं। मगर डॉक्टर जी इसको हुआ क्या है? देखें आपको मैंने जो टेस्ट लिख के दिए हैं पहले वो करा लीजिए, फिर पता चलेगा। ठीक है ठीक है बेटा, मैं अभी आती हूँ।
डॉक्टर ने अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। बेटा ये शहर तो बड़ा महंगा है, इतने छोटे से अस्पताल में भी इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ये बाबा के सामने मत बोल दीजिएगा वरना वो वापस जाने की जिद करने लगेंगे। बेटा तुम्हें वहां जाना चाहिए वरना हमारे पास इलाज के पैसे भी नहीं रहेंगे। जाना तो मैं भी चाहती हूँ काकी, लेकिन बाबा। बेटा मेरे पास तो अभी के लिए भी पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो, बल्कि मैं नाबो को फोन करती हूँ, वो गाड़ी भेज देगी, तुम जल्दी जाना और मैं उसे ये भी कह दूंगी वो तुम्हें थोड़े से पैसे दे दे, ठीक है? ऐसे कैसे पैसे दे देगी वो, मैंने तो कोई काम भी नहीं किया। और बाबा अगर उठ गए तो? तुम्हारे बाबा से मैं बात कर लूंगी, तुम बस जाओ, ठीक है? मैं नाबो को फोन करती हूँ, जाओ तुम। बताओ फिर काम करोगे यहाँ? देखो हमारे घर में काम करने वाले बहुत हैं, लेकिन बड़ी बीबी के कमरे में कोई नहीं जाता, समझ लो जैसे उन्हें चिढ़ है सबसे। लेकिन मैंने उस दिन देखा तुमने उनके बाल भी बनाए और काफी वक्त भी गुजारा उनके साथ और उन्हें कोई एतराज भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम उन्हीं के साथ रहो, बाकी काम करने के लिए लोग हैं घर में। बस अगर आप मुझे पहले थोड़े से पैसे दे देते बहुत बड़ा एहसान होता आपका। मैं रोज आऊंगी, कोई छुट्टी नहीं करूंगी मैं। भाई अब नाहिद तुम्हें लेकर आई है तो हमें भी कुछ करना तो पड़ेगा। लेकिन एक बात बता दें, हम लोगों को अच्छी तरह पहचानते हैं कौन कैसा होता है। अच्छा दूध का जला तो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अच्छा ठीक है पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, नाहिद आप काम समझा दीजिएगा इसको और कल अस्पताल में पैसे जमा कराकर काम पर आ जाना, ठीक है? जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मजीद इनके कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे हमें और हो सकता है कि गले का ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? देखिए इतना घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है, बस मजीद कुछ टेस्ट होंगे पहले, उसमें अभी टाइम है। ये मैं दवाइयाँ ले आई हूँ और पैसे भी काउंटर पे जमा करा दी। बस ठीक है तो मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ, आप इनको दवाइयाँ दें उसी तरीके से। आप आ जाओ मेरे साथ। तुम कहाँ गई थी बेटा और ये दवाओं के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बाबा वो मैं बताती हूँ ना, ये अब काम करेगी, इसको मैंने ही भेजा था वहाँ। काम? कैसा काम? वो एक फैक्ट्री है, उसमें सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, कोई मसला नहीं होगा इसका रफीक। मसला इसको नहीं, मसला मुझको है। मैं अपनी बेटी को यहाँ काम करवाने नहीं लाया हूँ। बाबा सिर्फ एक बात सुन ले मेरी, फिर आप जो कहेंगे मैं करूंगी। बाबा आप जानते हैं हमारे पास पैसे नहीं और इस छोटे से अस्पताल का भी बहुत खर्चा, आपका इलाज नहीं हो पाएगा बाबा। तुम्हारी छोटी सी नौकरी से इस छोटे से अस्पताल के खर्चे पूरे हो जाएंगे? नहीं बाबा, लेकिन आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी हर छोटी फरमाइश के लिए आपने दिन रात काम किया है। मैं छोटी थी, नादान थी, फरमाइशें करती रहती थी, पर आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे काम करने देना बाबा, आप ठीक हो जाएंगे, मान लेना।
जाना ये दो या ये कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ ना देना ये दो गिरहों वाले धागे शायद एक पल भी नींदों को सुला के जी ना पाए हम भूले तो नहीं कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़े तो नहीं तक आएगी ये वापस ये अभी तो गई है शाम तक आएगी और तुम इतना डर क्यों रहे हो मैंने कहा ना वहां कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है फैक्ट्री में और भी लड़कियां हैं नहीं वो नई जगह है ना तो जरा मेरा दिल घबरा रहा था वो बिल्कुल सही जगह पर गई है मेरा मतलब है कि तुम फिकर ना करो नाहिद से मेरी बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक है अच्छा कैसे फलक से उतारूं बिछड़े हुए बादलों को ढूंढूं कहां से कहां तक कानों की उन बालियों को जितना रो लिया था काफी तो नहीं है और भी ठीक है अच्छा फिर मैं चलती हूँ ये आपकी बेटी है माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरा दिल कहता है कि एक दिन आपके पास जरूर वापस आएगी मैं खुद ढूंढ के लाऊंगी इसे कच्चे कच्चे रिश्ते तोड़ ना देना हो वाले धागे शायद एक पल भी जी ना पाए हम आप एंगेजमेंट पर नहीं आए सब इतना पूछ रहे थे आपको वैसे अब आपकी तबीयत कैसी है अच्छी है उफ, मैं सोचती हूँ कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदला वैसा का वैसा ही है जैसे मैं 25 साल पहले छोड़ के गई थी बल्कि उस वक्त तो इतनी पोल्यूशन भी नहीं थी अब तो इतनी हो गई है कि एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे चक्कर से आ गए एक्चुअली अब तो हालात काफी बेहतर हैं बल्कि मेरे ख्याल में तो अब मसाइल भी काफी कम हो गए हैं
आप गालिबन मुल्क से बाहर कभी निकली नहीं है। माशाल्लाह घर आपका बहुत अच्छा है। ऐसी बात नहीं है, मुल्क से बाहर मैं कई बार गई हूँ। रिसेंटली वलीद की कॉन्वोकेशन के लिए भी गई थी। खैर आप बताइए शादी का क्या प्रोग्राम है? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? या बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडीज ना। मैंने वलीद से बात कर ली थी, आई थॉट उसने आपको बता दिया होगा। वैसे रिश्ते तो बहुत थे, मेरी बहन का बेटा वही रहता है अमेरिका में ही, और सना पे जान छिड़कता है। उसने तो मुझे कई दफा कहा कि भाई मेरी शादी करा दें, लेकिन अब देखें, अब सना को मोहब्बत हुई भी तो एक पाकिस्तानी लड़के से। What do you mean पाकिस्तानी लड़के से? इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं पाकिस्तान में आके बैठ जाऊंगी। हम वहां जाएंगे, वहीं पे जॉब होगी, वहीं रहेंगे। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती थी कि शादी भी वहीं हो, और मेरी फ्रेंड्स भी इतनी एक्साइटेड थी वहां पे। आप भी आइए ना अमेरिका, इस बार गौर से देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छे लोग हैं काकी, आपने तो मुझे वहां पे भेज के बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। बस ठीक है, तुम इसी तरह दिल लगाकर काम करती रहोगी, और वो लोग अगर खुश हो गए ना तो समझ लो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और वो जो बाजी है ना जिनके लिए मैंने रखा है, वो तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा? हर बात मानती है मेरी। खाना भी मुझे वही मिलता है जो वो लोग खाते हैं, बाकी नौकर अलग से खाते हैं। वाकई? बस मैंने भी सोच लिया है, बहुत खिदमत करूंगी मैं उनकी। उनके शौहर भी बहुत अच्छे हैं, और दादी तो सबसे ज्यादा अच्छी हैं। और देखें एक ही दिन में सबके नाम याद हो गए मुझे, सबसे बड़े अशर साहब, फिर यासिर साहब, फिर रमशा बीबी, फिर समरा बीबी, और रमशा बीबी के बेटे वलीद। रमशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं दादी, ऐसे। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, सोच लो। दादी वलीद की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है, उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो शादी के बाद वापस चला जाएगा। इतने दिनों बाद मेरा बच्चा बाहर से आया है और इसे वापस लेके जाना चाहती है? मैं तो कहती हूँ इसे भी निकालो, इसकी माँ को भी। अभी निकालने जा रही हो? नहीं दादी, किसी को नहीं निकाल रही, खाना निकलवाने जा रही हूँ। क्या हुआ है डॉक्टर साहबा? देखिए मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती, इन्हें दरअसल हलक का कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पे। And I'm afraid इनके पास बहुत कम दिन है। क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे वो बच सके? देखें हम कीमोथेरेपी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद एक बहुत तकलीफदेह और मुश्किल प्रोसेस है, और वो रिस्की भी है, 100% रिजल्ट नहीं देता वो। आप चाहें तो मैं या यहाँ के डॉक्टर्स उनका ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप उन्हें उनके जितने भी दिन रह गए आराम से रहने दें, उनके लिए बेहतर यही है। आप उन्हें खुश रखें, उनकी दवाएं टाइम से दें ताकि उनकी तकलीफ खत्म हो जाए, लेकिन आई एम सॉरी और मैं कुछ नहीं कर सकती। जी
क्या क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, कह रही थी कि ऐसा होता है, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। तो फिर आपकी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? कुछ नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, भला मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी, सब ठीक है बेटा। और क्या कहा उन्होंने? हाँ वो कह रही थी कि कुछ दिन ऐसे ही देखेंगे फिर बताएंगे कि क्या हुआ है। और हाँ वो ये भी कह रही थी कि वो गले का इलाज करेगी, वो क्या ना ऑपरेशन जैसा कुछ करने को। ऑपरेशन? ये तो बड़े पैसे लगेंगे काकी। हाँ बेटा अभी तो सब ठीक है ना, जब उसकी बारी आएगी वो भी देख लेंगे। चलो अभी रफीक के पास चलते हैं। आपकी फैमिली कुछ बड़ी नहीं है जी? वो जॉइंट फैमिली सिस्टम का ट्रेंड कुछ खत्म नहीं होता जा रहा? वैसे भी आजकल तो बच्चों की शादियां जब हो जाती हैं तो माँ बाप उनको अलग कर देते हैं। कुछ अजीब सा लगता है कि घर में इतने सारे लोग हों, नहीं? बुजुर्ग और बच्चे जब एक साथ खाना खाते हैं ना तो रिस्क में बरकत होती है। वो लोग अपने बच्चों को शादी के बाद अलग करते हैं जो बच्चों को बोझ समझते हैं। हाँ लेकिन वैसे वाकई ट्रेंड अब बदल रहा है काफी। अब माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे साथ रह जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, और बच्चे भी यही चाहते हैं कि माँ बाप उनकी जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। जी बिल्कुल। रामशरण के लिए मीठा मंगवा। नाहिद, अब नाहिद मीठा ले आए प्लीज। आप लेना, कोरमा तो आपने चखा ही नहीं। नहीं बस मैं ग्रीसी चीजें नहीं खाती। क्या बात है, आजकल बड़ी खुश दिखने लगी हो। बस ये नई लड़की मेरा ख्याल बहुत अच्छा लग रही है। अच्छी बात है ना। तो बस फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अशर अगर अभी हमारी लिश्पा होती तो इसी उम्र की होती ना। तुमने कभी इसकी हंसी सुनी है? बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह। लिश्पा भी बिल्कुल इसी तरह से हंसती थी, एक बार शुरू होती थी तो बस हंसती चली जाती थी। अशर मैं तुम्हें बताती थी ना कि अलिश्पा मुझे मिलने आती थी, जब से ये लड़की आई है अलिश्पा नहीं आई मुझे मिलने। तुम्हें पता है सुमरा, तुम्हें इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बस अब ये लड़की यहां आ गई है, I'll make sure कि वो कहीं ना जाए। पापा पक्का वादा। लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ओफ और इतनी बातूनी है ये, तौबा। एक बार शुरू होती है तो बस बोलती जाती है, लेकिन बहुत फनी है, अच्छी बच्ची है।
क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात है? बताओ मुझे। वो मेरे बाबा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। रात को इतनी बुरी खांसी हो गई, संभाल ही नहीं पाई। फिर उनको डॉक्टर्स ले गए और फिर हम तक आगे कोई बताया कि क्या हुआ है। वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सच सच नहीं बता रही कि बाबू को क्या हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरे बाबू को कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें डॉक्टर ने कुछ बताया है? मुझे क्यों बताएंगे वो कुछ? जब भी कोई ऐसी बात होती है, हम तो काकी को अकेले में ले जाके बताते हैं। पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं मुझसे। अच्छा, कुछ पैसों वगैरह की जरूरत है तुम्हें? नहीं, पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए डॉक्टर से कि आखिर मेरे बाबा को हुआ क्या है। आप लोगों के पहले मेरे पे इतने एहसान, मैं आप लोगों से और एहसान नहीं ले सकती। देखो, एहसान की कोई बात नहीं, तो परेशान हो, हमारे घर काम करती हो, तुम्हारी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तो फिर एक मदद करेंगी आप मेरी? हाँ बोलो। मेरे साथ अस्पताल चली चलो। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपसे डॉक्टर नहीं छुपाएगा कि मेरे बाबा को क्या हुआ। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ चली जाओ। अच्छा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा अच्छा, हाथ मत जोड़ो, ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम परेशान मत हो। अच्छा, दादी आप हॉस्पिटल जा रही हैं? हाँ बेटा, मैंने सोचा कि चक्कर लगाती हूँ, बहुत परेशान थी वो बच्ची। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, दे दीजिएगा। मेरे पास हैं बेटा पैसे, मैं कर लूंगी। मैं चाह रहा था थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तुम खुद चलो और अपने हाथ से दे देना लिफाफा। नहीं दादी, नहीं, मैं नहीं जा सकता। बेटा आप तो फंस गए हो। देखो इतनी बातें मैं तुम्हारी मानती हूँ, एक मेरी बात भी मान लो। अच्छा चलो, चलो देर हो रही है, चलते हैं। पर गई। तुमने मुझसे झूठ कहा, झूठ कहा कि मेरी बेटी फैक्ट्री में नौकरी करती है। मैंने अपने कानों से सुना है कि वो किसी के घर में नौकरी करती है। बुलाओ मेरी बेटी को, बुलाओ, मैं गांव वापस जाऊंगा, मुझे नहीं करवाना अपना इलाज विलाज। बुलाओ मेरी बेटी को, बुलाओ। तुम गांव क्यों जाना चाहते हो? क्यों यहां से भाग जाना चाहते हो? मैं भाग नहीं रहा हूं, मेरा दिल घबरा रहा है। यहां पर अपने गांव वापस जाऊंगा। बुलाओ मेरी बेटी को, बुलाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी बेटी किसी के घर में नौकरी करे। बुलाओ उसे। किसी के घर में या अशर साहब के घर में? कौन अशर? कौन अशर साहब? जिनके घर तुम बचपन से लेकर जवानी तक काम करते रहे हो रफीक, वही अशर साहब।
जिन्होंने तुम्हें अपने भाइयों की तरह अपने घर में रखा था, वही अशर साहब जिनकी अनजाने में हुई गलती की वजह से तुम उन्हीं की बेटी ले भागे। झूठ है अलीना, मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची है अलीना। बस अलीना नहीं, अलिश्बा है वो। तुमने मुझसे झूठ बोला, मगर तुम ये भूल गए कि कुदरत कभी किसी से नाइंसाफी नहीं करती। और देखो जिंदगी का पहिया कैसे घुमा, उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसे होना चाहिए था। नहीं, मेरी बच्ची वहां नहीं रही। जिन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरी बीवी की जान ले ली, मेरी बेटी उन कातिलों में नहीं रहेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बुलाओ, मेरी अलीना को बुलाओ। जो जाओ मेरी बेटी को बुलाओ, जाओ जाओ तुम्हें जेल से मेरी बेटी को बुला कर आखिरी स्टेज पे हो। डॉक्टर ने कहा है तुम नहीं बचोगे, मर जाओगे। हम सबको एक ना एक दिन मरना है, लेकिन मैं चाहती हूँ खुदा के वास्ते अपने दिल का बोझ हल्का कर लो, जो सच है वह सबको बता दो। जाओ, मेरी बेटी को लेकर आओ, जाओ जाओ। बाबा बाबा देखें कौन आया। ये क्या किया आपने? इसलिए आई थी आप यहां पे? इतनी जोर से मारा है। मैं यहां पे आपको अपनी मदद के लिए लाई थी, पर आपने मेरे बाबा को ही टप्पड़ मार दिया। आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी मैं। निकले यहां से बाहर, चले। नहीं बाबा, उन्होंने आपको मारा, आप मुझे नहीं। कम सर्फ तुम्हारा बाबा, ये घटिया इंसान जिसने अपनी महरूमियों का बदला लेने के लिए किसी और को खुशियों से महरूम कर ली। क्या कह रही हैं आप? ये किस तरह की बातें कह रही हैं? बाबा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ बोलने के काबिल रहेगा तो बोलेगा ना। जानते हो क्या कयामत गुजरी हम पे इतने साल? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी अजियत फिर भी तुम्हें कम होती होगी, क्योंकि तुम्हें पता था कि वो मर गए। लेकिन हम आज भी उसी उलझन, उसी बदगुमानी में जी रहे हैं कि हमारी बच्ची पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है कि नहीं, कहाँ है मेरी बच्ची। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है,
ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये किस बच्ची की बात कर रही हैं? इनकी सिर्फ एक ही बच्ची है और वो मैं हूं और कोई नहीं। बताए नहीं ने हमदा काकी, आप तो मुझे बचपन से जानती है ना, बताए नहीं ने, बताए नहीं ये क्या कह रही है, ये क्या पूछ रही है बाबा से? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप दोनों चुप क्यों हैं? बैठ जाएं आप। मैं बैठने के लिए नहीं आई, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। हमारी आदत, हमारी फितरत नहीं बदली, हम अब भी दूसरों की मदद करने के लिए ऐसे ही खड़े होते हैं। तुम्हारे साथ जो भी हुआ अनजाने में हुआ, तुम जानती, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि हमने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है कभी भी, तो हमें माफ कर दो। ये साल हमारे लिए सजा के लिए बहुत थे। देखो चल के उसकी माँ को, उसके बाप का हाल देखो, मेरा हाल देखो, फिर रह नहीं आता हम। बताओ रफीक, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी अलिश्मा कहाँ है? अलिश्मा? कौन है अलिश्मा? बाबा सिर्फ मैं ही आपकी एक बेटी हूं ना,